नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूपटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग सेम की बीन्स के ऊपर आ गए हैं और बहुत ही सारी हार्वेस्टिंग के लिए इकट्ठी हो रही है ये, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या किस तरह से है ना हम इनको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, मेरे तो बहुत ही लकी हूँ मैं कि सेम मैं पिछले 2-3 साल से मैं बीज नहीं डालती हूँ। मेरे इसी एरिया में टंकी में, ये एक ऊँची वाली में और एक फ़िश टैंक जो पड़ा हुआ है, इसमें अपने आप उगने लग जाते हैं इसके पौधे, क्योंकि बीज काफ़ी पड़ जाता है और पूरा साल ही चलती रहती हैं ये मेरे। हालांकि ये पूरा साल ऐसे नहीं चलने वाली चीज़ होती है, पर इसके प्लांट बने ही रहते हैं हमेशा मेरे पास। तो यही रीज़न था कि बरसात में तो लगाया जाता है इनको, पर मेरे पास बरसात में भी बहुत अच्छी है ना इनकी हार्वेस्टिंग थी, क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े से डाउन हुए थे। तो बेसिकली ये सर्दी और स्प्रिंग की फसल होती है, 3 महीने में तैयार होती है ये। हम लोग बरसात में अगर जुलाई में इसके सीड्स डालते हैं तो नवंबर से हम लोगों को लगभग है ना बीन्स मिलने लग जाती हैं, सर्दियों की बीन्स होती हैं। और है ना स्प्रिंग में भी आती रहती है, मार्च अप्रैल तक अच्छी तुड़ाई चलती रहती है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे क्योंकि हमेशा लगी रहती हैं, इसलिए मैंने बरसात में भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की थी इनकी। और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम हमारे यहाँ जो जितनी भी इंडियन बीन्स होती हैं ना, सभी बहुत अच्छे से करती हैं, तो इनको नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा नहीं चाहिए होती इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी है ना अच्छी खासी मात्रा में ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं मिट्टी में। तो मेरे इस प्लांट में तो काफ़ी नाइट्रोजन है और उसकी वजह से ना थोड़ा सा है ना कलर में इनके में डिफरेंस आ जाता है। शुरुआत में जब ये लगती हैं तो थोड़ी येलो सी रहती हैं, और अभी मैंने ब्लैक एफिड्स लगे हुए थे इन पे, तो काफ़ी स्प्रे भी किया है बायो एंजाइम वगैरह का, तो उसकी वजह से भी ये एक रीज़न होता है। हालांकि खुशबू और स्वाद में कोई है ना डिफरेंस नहीं है इनके में। मिट्टी की अगर बात करें ना हम सेम बीन्स की, तो मिट्टी ये बहुत अच्छी से है ना 8 PH तक की भी है ना ले लेती हैं आराम से, उसमें भी है ना अच्छी ग्रोथ होती है इनकी 8 PH तक। मतलब अच्छी खासी अगर आपकी है ना सार वाली मिट्टी है तो भी उसमें अच्छा चल जाता है, ये नमक वाली मिट्टी है तो उसमें भी अच्छी ग्रो हो जाती है ये। कीड़ों की बात करें तो हाँ, ये कीड़े मकोड़े तो काफ़ी है ना पेस्ट वगैरह पकड़ती हैं ये, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो माइट की ही हो जाती है इनमें, माइट्स काफ़ी लगती हैं ये। शुरू में तो मैं सेम बीन्स मेरे को पसंद इसीलिए नहीं आती थी क्योंकि बहुत माइट्स लग जाती थी मेरे, मेरे को तरीका नहीं आता था इनको अच्छे से ग्रो करने का, तो जाला सा बन के और फिर वो ख़त्म होने लग जाती है ना, तो उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा पानी देते हैं हम लोग, तो वो भी एक रीज़न होता है उसका कि ये गलन की उस पर आ जाती हैं धीरे धीरे। तो पानी बिल्कुल नॉर्मली देना चाहिए इनका, सूखे तभी है ना दोबारा दें आप। और दूसरा ब्लैक एफिड्स भी बहुत लग जाते हैं इनमें, तो सेम में तो मैंने देखा है अपने यहाँ कीड़ा आता हुआ, इसलिए मुझे पता है कि सेम की बीन्स में काफ़ी है ना बीमारियाँ लगती हैं। तो ब्लैक एफिड्स का तो यही है इलाज कि आप स्प्रे कर दें, नीम ऑयल है, बायो एंजाइम है, और भी अगर कुछ ऑर्गेनिक स्प्रे मिल जाते हैं आपको तो वो भी आप कर सकते हैं अगर ऑर्गेनिक ग्रो करनी होती है तो। तीसरा इनमें जो रोग लगता है वो फली में जो फल छेदन वाली जो होती है एक रेंगने वाला कीड़ा, वो भी बहुत काफ़ी लग जाता है। देखो ये ऐसे थोड़ी सी छोटी होती है ना तो येलोइश होने लगी है मेरी, बायो एंजाइम का काफ़ी स्प्रे हो गया है इन पे क्योंकि, और बड़ी होती है तो ठीक हो जाती है, पर कितनी फ्रेश और बिल्कुल खुशबूदार सेम और इतनी ढेर सारी सेम उतरी है, तो मैंने आपको बता ही दिया धूप में लगाने की होती है ये, अच्छे से धूप में लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी धूप आती हो जहाँ पर। सब्जियाँ तो ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं जो है ना भरी पूरी धूप मिले उनको, सर्दियों की सब्जियों को तो अच्छी है ना ग्रो होती हैं आपके। तो देखो है येलोइश थोड़ा सा इनमें, पर है बिल्कुल फ्रेश और कच्ची, तो ये हो ही गया है ये बायो एंजाइम की स्प्रे की वजह से कह लीजिए या जो भी रीज़न है। थोड़ा सा सीड भी ऐसा हो सकता है, उसका भी मुझे है ना कुछ याद नहीं है। तो बहुत फलियां फ्रेश टूटती हैं बिल्कुल, और हेल्थ वाइज तो आपको पता ही है सेम की बीन्स डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए भी, और इनमें प्रोटीन भी होता है अच्छी मात्रा में, फाइबर बहुत अच्छा होता है इनमें, तो ग्रो करनी चाहिए हम लोगों को। और देखो कितनी ढेर सारी टूट के आई है, और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से भी बहुत सारी लगी हुई है अभी, तो मुझे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इनको,
दूसरी साइड से मैं छत की से आपको दिखाऊं तो ऊपर टंकी पे पीछे तक लटकी हुई होती है ये, तो अच्छी खासी मुझे है ना इनको तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है। खाद बहुत ज़्यादा नहीं मांगती हैं ये, नाइट्रोजन मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मांगती नहीं है, और सबसे ज़्यादा हम लोग वही देते हैं अपने प्लांट्स को। और है ना जैसे भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, जब भी दे देती हूँ मैं तो थोड़ा थोड़ा, जैसे जब भी बनाती हूँ तो ईजी टू ग्रो वैसे तो है, बस कुछ बीमारियों का अगर आप ध्यान रखें तो। इसमें पानी भी है ना बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं देना चाहिए, जाला आ जाता है फिर इनमें काफ़ी। और देखो मैं तो बीज भी नहीं डालती, अपने आप ही निकल उगती है मेरे यहाँ पे। और वो चीकू का मेरी टंकी है जिसको है ना ये कॉर्नर से घेरे रहती हैं हमेशा, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार इनको अच्छे से निकाल दूँ उसमें से, जिससे चीकू का प्लांट भी है ना ग्रो कर पाए, और अलग से ही इनको उगाया करूँ। तो पानी पूरा मतलब है ना सूख जाए जब भी आप दोबारा दें, धूप पूरी दें इनमें। मिट्टी शुरू में ही अच्छी तैयार की है तो आपने चलती रहती हैं ये, और है ना बहुत अच्छी। इनको खेतों में तो क्या है और फसलों के बीच में भी लगा देते हैं जिससे है ना जगह का पूरा सदुपयोग हो सके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छी खासी फैल जाती हैं, तो अब हम लोग बिल्कुल बीच में तो नहीं लगा सकते किचन गार्डन में अपने में, पर कॉर्नर्स पे जैसे बड़ी बड़े फ्रूट प्लांट वगैरह लगे हुए हैं तो उनके कॉर्नर पर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सेम उगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, नमस्कार।